नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कम्युनिटी बाजार में नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना आज $1811 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर भी $23 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। गोल्ड और सिल्वर आज लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर आज भी एक रेंज में देखने को मिले हैं। बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले हमने गोल्ड और सिल्वर को तेजी की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से डॉलर में तेजी बनी और जिसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता नजर आया। तो आज इंट्राडे में सोने चांदी में क्या लेवल्स रहेंगे और आगे जाके सोने चांदी में क्या कीमतें देखने को मिल सकती है, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगे नाम सीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर आज भी एक रेंज में देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या आज इंट्राडे में भी सोना चांदी एक जिम्मेदार में देखने को मिल पाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल रेंज बाउंड है मार्केट, काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विदेशी बाजारों में ऊपरी स्तरों से एक हल्का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल बॉन्ड यील्ड में हमें तेजी देखने को मिली है और उसी के साथ डॉलर के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई है, जिसकी वजह से सोने के ऊपर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और उसी वजह से सोना ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रेशर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज इंट्राडे में हो सकता है कि 1800 तक एक बार नीचे लुढ़क जाए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन अभी जो डॉलर के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रही है उसका असर सीधा सोने की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा इन्वेस्टर आगे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस के अंदर में भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए। जिस तरीके से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है उसका एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट यूएस के अंदर हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से सोने के ऊपर दबाव बन सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होते हैं तो अगेन सोने के अंदर बाइंग जो है वो इनिशिएट होती रहेगी। तो फिलहाल के लिए रेंज जो है वो 1800 तक डाउनसाइड में और ऊपर में 1820 तक बनती हुई दिखाई दे रही है जी। तो यानी कि डॉलर में जो तेजी बनी है उसके चलते सोने चांदी की कीमतों पर एक हल्का दबाव बनता नजर आ सकता है इंट्राडे में। दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा जो अगर इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए जाते हैं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो उसका दबाव भी सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड की, तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि WTI $85 पर है सवा एक फीसदी की तेजी के साथ, ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 पर सवा एक फीसदी की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि ज़्यादातर देशों में, विदेशों में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम होती नज़र आ रही है, लेकिन तब भी देख रहे हैं कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें तेजी बनी हुई। आपको क्या लगता है क्या सप्लाई बाधित होने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कुछ फंडामेंटल्स में चेंजेस आए या फिर टेक्निकली ये तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, फंडामेंटली ही मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड के अंदर। देखिए, पहले तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच था, सप्लाई काफी डिस्टर्ब थी। अब जो खबरें निकल कर आ रही है कि जो पाइपलाइन है इराक से टर्की की तरफ वो काफी डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सप्लाई जो है वो टाइट होती हुई दिखाई दे रही है और ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्रूड अगेन वापस से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप आज देखिए $86 के आसपास, इनफैक्ट $86 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से माना जा सकता है कि WTI कोई बड़ी बात नहीं होगी, $90 के भी ऊपर निकल जाए और ब्रेंट तो एक्सपेक्टेड है $92 से $95 तक की तेजी पकड़ सकता है। यानी क्रूड के अंदर अभी कंटिन्यूशन में अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। स्टिल अभी आज इंट्राडे की भी बात करें तो 6400 से लेकर ऊपर में 6480-6520 यानी 6500 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में तो हर लेवल पर बाइंग, लेकिन वहीं स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि करेक्शन कभी भी ड्यू हो सकती है। लेकिन अभी जो सप्लाई का मेन कंसर्न इश्यू निकल कर आ रहा है उसी की वजह से क्रूड सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं से कोई अपडेट निकल कर आता है, सप्लाई बढ़ने की बात होती है, तो डेफिनेटली क्रूड के अंदर फिर करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तेजी की तरफ है, 6500 तक एक बार क्रूड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। तो यानी कि सप्लाई डिस्टर्बेंस होने के चलते रूपा जी के अनुसार क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है, जो कि आगे कंटिन्यूशन में रह सकती है। ऊपर में 6520 तक के लेवल्स कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.4 पर है, M6 जिंक 293 पर आधे फीसदी की तेजी, निकल में 1663 पर है आधे फीसदी की तेजी के साथ और M6 लेड $187 पर। रूपा जी आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है?
देखिए बेस मेटल में भी अखिलेश पॉजिटिव है आज मार्केट लगातार। मैं तो हमेशा ही यही बोलती आई हूँ कि बेस मेटल में आप बाइंग करिए निचले स्तरों पर, और निकल मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए 1660 मैंने बोला था कि ये ऊपर जा सकता है, अब यहाँ से 1680 से 1720 की रेंज पकड़ सकता है। 1600 के बाद लगातार बाइंग इंटैक्ट है, और अभी भी देखा जाए तो विदेशी बाजारों में भी एक अपसाइड मोमेंटम बेस मेटल्स में देखने को मिल रहा है। कॉपर काफी रेंज बाउंड है, कॉपर में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन जिंक देखिए, जिंक भी निचले स्तरों से काफी बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आया है। अब मुझे लगता है कि जिंक भी 300 तक अपसाइड में अपनी तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए निकल और जिंक एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनमें अभी भी बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो देखी जा सकती है, लेकिन थोड़ा करेक्शन के ऊपर ही इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। जी रूपा जी, हमने आप 2021 के बजट में देखा था, जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया पेश किया था, उसमें कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और कल को ही हमने खबर आते हुए देखी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि अब टैक्सी सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और फूड डिलीवरी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, दिल्ली सरकार ने जो पहले पहल की है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, तो इसका असर अब आने वाले भविष्य में बेस मेटल्स पर कैसा रहेगा? क्या आपको लगता है कि बेस मेटल्स में आगे आगे पॉजिटिव ही रुझान रहेगा और जो ट्रेंड है वो हमेशा अपसाइड ही बना रहेगा? देखिए बेस मेटल डेफिनेटली अभी देखिए सभी तरफ से हम देख रहे हैं कि ना, अभी तो ये तो इंडिया में हमने देखा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता है। और अभी आगे चलकर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड ही एक अच्छी खासी डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई बेस मेटल्स की दिखाई दे सकती है, क्योंकि पहले तो हम ये देख रहे थे कि चाइना की तरफ से एक अच्छी खासी डिमांड निकलती है तभी बेस मेटल में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अभी जिस तरीके से इंडिया भी इस चीज को लेकर फोकस कर रहा है, तो डेफिनेटली आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना बिल्डअप होगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जितना जोर दिया जाएगा, उसका सीधा असर जो है बेस मेटल्स की डिमांड के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और प्राइसेस जो है उसके चलते एक बार तेजी की तरफ बने रह सकते हैं। और तभी मैंने बोला, हमेशा से मैंने 2021 में भी हम यही बात करते रहे थे कि बेस मेटल्स में कैसा रुझान रह सकता है, और बेस मेटल ही मुझे लगता है कि एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें बाइंग में बने रहना चाहिए। आप देखिए जब भी हमने देखा है बेस मेटल्स में अभी कोई कभी बहुत करेक्शन आती हुई दिखाई नहीं दी है, लगातार नए हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही 2022 में भी मुझे लगता है कि बेस मेटल नए लेवल छूता हुआ दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, आज के लिए आप टॉपिक्स क्या देने चाहेंगी नॉन एग्री कम्युनिटीज में, जिसमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे में अभी तो फिलहाल बेस मेटल्स और क्रूड ही हैं जो एक अपसाइड मोमेंटम में जा सकते हैं। सोने चांदी में आज हल्की गिरावट आ सकती है, तो मुझे लगता है कि क्रूड आज 6480 से लेकर 6520 तक की अपसाइड पकड़ सकता है। जी